इधर पंत का एक्सीडेंट हुआ, उधर दिल्ली कैपिटल में मच गई भगदड़, बिगड़ गया पूरा प्लान। पंत के एक्सीडेंट ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के भी उड़ाई नींद, ले सकती है बड़ा फैसला। अगर अपने दोस्त की मान लेते बात तो ना होते ऐसे हालात। 2022 आईपीएल के बाद ही तय हो गया था पंत का ये एक्सीडेंट। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट ने झकझोर कर रख दिया। हर कोई ऋषभ पंत के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। देश से लेकर विदेशों तक उनके चाहने वाले लोग दुआ कर रहे हैं कि पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पाकिस्तान में पंत के लिए पूजा की जा रही है तो वह हिंदुस्तान में हर कोई पंत को जल्द से जल्द मैदान पर लाने की दुआ कर रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक पंत के घुटने में चोट है तो कमर और सर में भी चोटें हैं। ऐसे में पंत को मैदान पर वापसी करने में देरी हो सकती है। लेकिन चोट ऋषभ पंत को भारत में लगी और इसका असर ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है। पंत की चोट के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना पड़ सकता है। पंत के एक्सीडेंट के बाद दिल्ली कैपिटल की नींद उड़ी हुई है, तो अगर ऋषभ पंत अपने दोस्त की बात मान लेते तो आज ये हालात ना होते। साथ ही पंत के इस भयानक हादसे की कहानी साल 2022 के आईपीएल के बाद शुरू हो गई थी। इस कहानी के तीन किरदार हैं। पहला खुद पंत हैं, जिनका एक्सीडेंट हो चुका है और वो अस्पताल के बेड पर जल्द से ठीक होने की कामना कर रहे होंगे। तो वही दूसरा किरदार है ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड एक्शन ले सकता है। और तीसरे किरदार के तौर पर आईपीएल 2022 का वो दिन है जब पंत के इस एक्सीडेंट की पटकथा लिखी गई थी। सबसे पहले बात दिल्ली कैपिटल की करते हैं, फिर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड और फिर आपको बताएंगे कि आईपीएल 2022 के बाद से उस दिन के बारे में जब पंत के बुरे दिन की शुरुआत हो गई थी। पंत के एक्सीडेंट के बाद दिल्ली कैपिटल को बड़ा झटका लगा है। करीब 3 महीने बाद आईपीएल शुरू होना है। पिछली बार के खराब प्रदर्शन के बाद दिल्ली कैपिटल ये सोच रही होगी कि इस बार कुछ बेहतर होगा, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले ही टीम के कप्तान की जान बड़ी मुश्किल से बची है। तो दिल्ली के सामने सवाल ये होगा कि पंत की जगह कप्तान किस खिलाड़ी को बनाया जाए। ऐसे में दिल्ली के पास दो विकल्प हैं, एक अनुभवी और दूसरा नौजवान। अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर डेविड वॉर्नर हैं, जो हैदराबाद की टीम को चैंपियन बना चुके हैं। तो नौजवान खिलाड़ी के तौर पर है पृथ्वी शॉ। यहां पर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड की परेशानी शुरू होती है। दरअसल खबर के मुताबिक अगर दिल्ली कैपिटल वॉर्नर को अपना कप्तान बनाती है तो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वॉर्नर के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए वो कप्तानी नहीं कर सकती। अगर दिल्ली उन्हें कप्तान बनाती है तो कंगारू बोर्ड इसमें आपत्ति जता सकता है। इसे देखते हुए हो सकता है कि नौजवान खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को कप्तान बनाया जाए। शॉ अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को अंडर 19 का विश्व कप जिता चुके हैं। अब आपको बताएंगे वो हैरानी वाली बात जिसके बाद पंत के इस एक्सीडेंट की कहानी लिखी गई थी। दरअसल कुछ सालों पहले आईपीएल के दौरान पंत के साथ ही खिलाड़ी धवन ने उनसे कहा था कि गाड़ी तेज चलाना छोड़ दो। तब पंत ने कहा था कि ठीक है। अब अगर पंत की गाड़ी की स्पीड तेज ना होती तो शायद पंत को इतनी गंभीर चोटें भी ना आती। लेकिन अब कहानी उस कार की है जिसके अंदर पंत सवार थे। पंत जिस गाड़ी में सवार थे वो पंत की सबसे पसंदीदा गाड़ी थी। इस कार को पंत ने साल 2022 के आईपीएल के ठीक बाद खरीदा था। पंत इस कार को बहुत भरोसेमंद मानते थे और इसी कार से घूमने जाते थे। कौन जानता था 2022 के बाद खरीदी गई पंत की ये कार उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। खैर, जो भरोसा मर्सिडीज देती है उसे देखते हुए इस कार पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन कौन जानता था कि जिस कार को पीएम मोदी, सलमान खान जैसे देश के तमाम बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, वो महंगी कार केवल माचिस की डिब्बी होगी और धोखा दे देगी। आपका पंत के इस एक्सीडेंट पर क्या कहना है और पंत की जगह दिल्ली कैपिटल को अब किस खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।